हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों से मेरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं 60% परसेंटाइल से आईटी तक का मैंने सफ़र किया। देखो यार, मैं मेरी जर्नी से स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं 2021 में मैंने मेरी प्रिपरेशन है ना दिसंबर से स्टार्ट की थी। बेसिकली क्या था, मैंने 11th 12th मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था जेई के लिए। मैंने प्रॉपर बोर्ड्स किया था, और सही बोलो तो मैंने बोर्ड्स के लिए भी नहीं पढ़ा था। 12th में जनरली मेरे टाइम लॉकडाउन आ गया था कोरोना की वजह से, तो 12th तो पूरा बिगड़ ही गया था। और 11th तो मतलब मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, मैं कोई कोचिंग में एनरोल नहीं था, खाली मैं एक बोर्ड के कोचिंग से एनरोल था। तो वहाँ मतलब जितना मेरे से हो पाया था मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत 11th। और 12th मतलब मैं शायद एक भी दिन मैंने कोचिंग भी नहीं अटेंड की थी, और स्कूल तो हुआ नहीं था हमारा। देन शायद मतलब फिर जो हमारा सेप्टेम्बर था वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सोचा कि चलो यार जी एक बार मतलब जेई का ट्राई करते हैं। तो मैंने सेप्टेम्बर एंड से शायद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की जेई की। तो फिर मैं 3-4 बुक्स लेके आया, ज़्यादा आइडिया था नहीं, लोगों से जितना सुना था कि हाँ ये बुक्स आपको करनी चाहिए, बेसिक बुक्स है, तो मैं वो लेके आ गया। फिर स्टार्ट किया ऐसे ही थोड़ा मतलब सेल्फ स्टडी कर रहा था बेसिकली, कुछ चीज़ें मतलब यूट्यूब से पढ़ ले रहा था एंड समाउ खुद प्रैक्टिस कर रहा था। तो ऐसे स्टार्ट किया, जैसे दिसंबर जनवरी निकला एंड देन हमारा फेब्रवरी में जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट था। सो मैंने मतलब वो एग्ज़ाम दिया फर्स्ट अटैम्प्ट एंड मेरी उसमें 60% आई थी। एंड मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, वो तो उसने तो एक दो महीना जो था जो मतलब मैंने दिसंबर जनवरी पूरा पढ़ा ना, उसने वो भी नहीं पढ़ा था, लेकिन उसकी भी 85% आई गई जस्ट बिकॉज मतलब उसने तो कुछ पढ़ा भी नहीं था। फिर भी आप सोचो तो जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाता है मतलब उसकी भी सोचो कैसी परसेंटाइल आ सकती थी, लेकिन मेरी वहाँ पे 60% आई है। तो मतलब काफ़ी डीमोटिवेटिंग लगा था मुझे। एंड देन हमारा जो शायद सेकेंड अटैम्प्ट था वो आई गेस मार्च में था हमारा। तो फिर मैंने मार्च का अटैम्प्ट दिया, मतलब 15 दिन का गैप था आई गेस, तो उसमें थोड़ा मैंने पढ़ा हल्का सा एंड देन उसमें शायद मेरी 70% बनी। फिर ऐसे ही एग्जाम हमारे अप्रैल में होने वाले थे बट शायद कोविड फिर से हिट कर गया एंड हमारे एग्जाम है ना जून जुलाई की तरफ पोस्टपोन हो गया। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम मिल गया 3-4 महीने का। तो वहाँ क्या किया, मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ा। बेसिकली मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, फिर भी मैं सेल्फ स्टडी की तरफ ही ज़्यादा ओरिएंटेड रहा। तो प्रॉपर मैंने यूट्यूब से जितने भी चैनल्स थे, ATP स्टार, अनअकैडमी जेई या फिर फिजिक्स वाला अलग सर का वेदांतु हो गया, तो मतलब मैं इन्हीं से ऑनलाइन से मतलब अपनी मैंने प्रिपरेशन की एंड देन ऐसी चीज़ें चलती रही। तो शायद जुलाई में शायद जेई मेंस का थर्ड अटैम्प्ट हुआ था 2021 का, तो उसमें शायद उसमें मेरी है ना 90.5% बनी थी। तो मतलब थोड़ा उस टाइम फील हुआ था हाँ मतलब अपन एक टाइम 60 पे थे, इधर मेहनत करके 90 पे पहुंच गए। फिर शायद एक महीने बाद है ना अगस्त में फिर हमारा फोर्थ एंड लास्ट अटैम्प्ट हुआ, उसमें मेरी शायद 89% बनी थी कुछ। एंड जो रिजल्ट आया जेई मेंस का तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 83,000 कुछ बनी थी एंड मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया था। एंड देन शायद फिर बेसिकली क्या सीन हुआ, मतलब एक महीने बाद एडवांस था, तो जैसे फोर्थ अटैम्प्ट खत्म हुआ ना तो वहाँ पे क्या हुआ, घर वालों ने बोला कि एक बार है ना तू अच्छे से प्रिपेयर करके एडवांस का ट्राई कर। मतलब जैसे तूने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, तूने सेल्फ स्टडी किया थोड़ा, मतलब तूने 11th 12th तेरा पूरा वेस्ट था, इसलिए मतलब ऐसा हुआ एक बार अपन फाइट मार के देखते हैं, क्या पता एडवांस निकल जाए, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ऐसे मेरा कुछ मतलब मेरा सिचुएशन था नहीं कि मतलब मैं एडवांस की तरफ जाऊँ, मुझे ऐसा था कि एक बार मेंस करके अपने कोई NIT लेके चले जाएंगे तो उसमें सेट है, उसमें ज़्यादा मैं एडवांस की तरफ मैं ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं था। बट घर से ऐसा बोला कि हाँ एक बार एडवांस में ट्राई करके देखते क्या होता है, तो ऐसा माहौल बना कि मैं कोटा जाऊँ। मतलब घर वालों से ऐसा सुनने में आया कि चलो एक बार इसको कोटा भेज के देखते हैं, वहाँ अच्छा माहौल है पढ़ाई का जैसा हमको देखने को मिलता है। और शायद 2019-20 में तो कोटा फैक्ट्री ये सब का थोड़ा क्रेज ज़्यादा भी था, तो ऐसा हुआ कि इसको कोटा भेजते। अब कोटा में LN मतलब LN की बात है कि हाँ चलो LN ज्वाइन करते हैं। अब देखो यार यहाँ पे एक बहुत मस्त चीज़ हुई कि जैसे कि जो LN कोटा की जो ड्रॉपर बैच की जो फीस थी ना वो अराउंड 1.5 लाख थी एंड मेरे को और जो जेई मेंस की फीस थी स्पेसिफिक वो 83,000 समथिंग की थी। तो मुझे ऐसा हुआ कि देखो मेरे को एडवांस करना नहीं था, तो मैं खाली खाली ये 70,000 रुपये में एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करूँ, और मेरे को कोई गारंटी भी नहीं है एडवांस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मुझे सोचा मैंने सोचा कि यार चलो यार मेंस ही कर लेते हैं, ये देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइक मतलब किस्मत से देखो क्या हुआ कि एक LN का एसेट टेस्ट आया था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया, मैंने वो एग्जाम दी एंड उसमें मेरी 50,000 स्कॉलरशिप मुझे लग गई। मतलब मुझे वो 1.5 लाख का 1 लाख में ही लग गया। तो फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस तो वहाँ से मतलब मेरी फीस 1 लाख पड़ गई। तो फिर मैंने कहा चलो यार 80,000 अपन जेई मेंस में जा ही रहते तो 20,000 देख के एडवांस दे लेते हैं, ट्राई मार लेते देखते क्या होता है। तो फिर मतलब मैंने ऐसे LN कोटा में मैंने एडमिशन ले लिया एंड देन हमारी बैच सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो गई। तो मैं LN कोटा चला गया एंड फिर पहुंचने के बाद थोड़ा टाइम लगा मतलब वहाँ पे एडजस्ट होने में। जैसे जनरली क्या होता है ना कोटा का माहौल पूरा अलग रहता है, मतलब वहाँ आप मतलब मेरी PG थी तो मतलब PG में रहना बहुत सारे बच्चे थे, फिर आपको मेस में खाना खाना पड़ता है और मेस का खाना आपको पता होता है जो भी हॉस्टल या फिर बाहर से खा रहे हैं उनको आइडिया होगा कि कैसी चीज़ें रहती है स्टार्टिंग में, तो वो थोड़ा मेंटेन करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। बट विद टाइम मतलब चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होती गई एंड फिर शायद हमारा अक्टूबर में एडवांस था वो दिया मैंने,
तो मेरा उसमें एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ था, मतलब जो 2021 का एडवांस था, क्योंकि मतलब जस्ट एडमिशन गए आई थिंक 10 दिन के बाद ही एडवांस था, तो वो हो नहीं पाया। देन मैंने प्रॉपर मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया अच्छे से, जो टीचर्स मॉड्यूल्स देते थे, जो एल एस मॉड्यूल्स थी, मतलब हर रेसेस थी, मैंने उस पूरी प्रॉपर फॉलो की। एंड देन जैसे चीज़ें निकली तो फेबररी आया। अब फेबररी में क्या हुआ, हमारे जो ऑर्गेनिक के टीचर थे ना, उन्होंने सिलेबस अच्छे से नहीं कराया, मतलब वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं। हालांकि जो हमारे बाकी टीचर्स थे अदर सब्जेक्ट से, वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे हम लोग की प्रिपरेशन कराई थी, बट ऑर्गेनिक थोड़ा 19-20 रह गया था। मतलब एक बार तो ऐसा इंसिडेंट है कि हम लोग क्लास में थे एंड हमारी जे एडवांस की डेट अनाउंस होती है, तो सर क्लास में आते हैं और वो बोलते हैं कि आप लोग को एग्जाम कब देना है, 23, मतलब आप 22 वाले हो या 23 वाले हो, मतलब उनको पता ही नहीं था कि हमको एग्जाम कब देनी है बेसिकली। तो आप सोच सकते हो कि लाइक उनको क्या फर्क पड़ता था हम लोग के क्या चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। और लेकिन उन्होंने ना अपना सिलेबस पूरा अच्छे से नहीं करवाया, तो उसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि लाइक मुझे ना अनअकैडमी पर शिफ्ट होना पड़ा, अनअकैडमी प्लस पे। लेकिन मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सचिन नाना भैया से पढ़ी अनअकैडमी प्लस पे, एंड फिर वहाँ से मतलब थोड़ी सॉर्टेड हुई मेरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वहाँ से थोड़ी सॉर्टेड हुई। एंड देन ऐसी चीज़ें चली, देन मार्च में अनाउंस हुआ कि मतलब आपका लाइक जो एग्ज़ाम है ना वो पोस्टपोन कर रहे हैं, शायद CBSE बोर्ड से कुछ क्लैश हो गए थे एग्जाम से, तो वो मतलब एग्जाम पोस्टपोन हुए। एंड थोड़े मतलब दिनों बाद एक्चुअली मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया वेदांतु एकलव के बैच के बारे में, एंड आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था लाइक मेरे IIT के सिलेक्शन में। वो बैच ने पर्टिकुलरली मेरी बहुत हेल्प की थी, जैसे मुझे अभी भी याद है हम लोग को एक बैच प्रोवाइड किया था वेदांतु एकलव बैच का टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर मतलब हम अपने डाउट्स क्लियर करते थे, वहाँ पर जो विकास अग्रवाल सर हैं या आनंद प्रकाश सर है, मतलब उन लोगों से काफ़ी लाइव इंटरेक्शन होता था, वो लोग काफ़ी मोटिवेशनल मतलब बातें बताते थे, डेली हम लोग से बात करते थे, इनऑर्गेनिक के सेशंस होते थे हमारे लाइव, सर शुभांग सर थे IOC के, वो अपने नोट्स शेयर करते थे, आदिल सर थे एक मिनट जो वो लाइक प्रॉपर लाइक लोगों को मेंटर कर रहे थे कि लाइक आपको कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व करनी क्या करना है। एंड वेदांतु ने बहुत सारे मटेरियल्स दिए थे हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी टेस्ट सीरीज थी ऑल इंडिया लेवल की, तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ था, लेकिन जो हमें एडवांस ओरिएंटेड था और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। एंड शायद उसमें वेदांतु एकलव बैच में आने के लिए आपको 96+ परसेंटाइल स्कोर करना होता, लेकिन उस टाइम जेई मेंस हुआ नहीं था, सो एक एडवांस का टेस्ट हुआ था, तो हम मतलब मैंने वही टेस्ट देके एडमिशन लिया था वहाँ पे। एंड उससे हाँ मतलब मेरी प्रिपरेशन काफ़ी बूस्ट हो गई थी। एंड देन ऐसे फिर इसे प्रिपरेशन चली, देन हमारा जून का अटेम्प हुआ था, तो लाइक मेंस था, एंड ड्यू टू सम सिली मिस्टेक्स मेरी थोड़ी गलती हुई, वैसे मेरी 98% फर्स्ट अटेम्प में बनी, एंड फिर मतलब मैं प्रॉपर एडवांस, हालांकि मैंने एडवांस की प्रिपरेशन पहले से कर रखी थी, मतलब स्टार्टिंग से मैं एडवांस उन्होंने ज़्यादा था, मतलब मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स लगाई थी, मतलब मैंने ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान लगाई थी, मैथ्स के लिए मैंने थोड़ी बहुत ब्लैक बुक भी देखी थी विकास गुप्ता सर की, एंड बाकी IOC इन सब के लिए तो मैंने प्योर मैंने NCERT पढ़ा था, मतलब वो काफ़ी अच्छे लेवल पर गया था। तो मतलब जैसे मुझे याद है मेरी केमिस्ट्री में 99% थी, मैथ्स में 98 थी, एंड फिजिक्स में अराउंड 96% बनी थी, मतलब मेरी मेंस के फर्स्ट में अराउंड 98% बनी, एंड देन सेकंड में लाइक परसेंटाइज भी ड्रॉप हो गए, क्योंकि मतलब मैं एडवांस की तरफ शिफ्ट होकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस पर, हालांकि मार्क्स पढ़े थे सेकंड अटैम्प्ट में जो एग्जाम, लेकिन फिर भी पता नहीं NTA का क्या मतलब चीज़ें रहती है कि लाइक सेकंड अटैम्प्ट में लाइक परसेंटाइज कम हो गए ज़्यादा मतलब मार्क्स स्कोर करने के बावजूद भी। एंड जुलाई में हमारा शायद सेकेंड अटैम्प्ट हुआ। अब देखो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, लाइक मैंने लाइक जो जेई मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद से एडवांस के बीच में मैंने क्या किया था, हम लोग के जो सुदीप सर थे LN कोटा के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि लाइक आपको कोई बुक पे मतलब जाना हो आप जा सकते हो नो डाउट, बट उन्होंने कहा था मतलब उन्होंने हमारे बैच में कहा था कि लाइक आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 1990 से जो 2021 तक के PYQs हैं इंक्लूडिंग दैट ओल्ड जे एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो एक बार आप अच्छे से लगा लेना, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन है बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो जो ओल्ड सब्जेक्टिव एडवांस के क्वेश्चन होते थे, मतलब वो आपका लाइक हर काइंड ऑफ जो आपका थॉट प्रोसेस है ना काफी मतलब एक्सपांड कर देते हैं उसको। एंड जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो लाइक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब रिपीट हो जा रहे हैं आजकल, इवन एडवांस में भी जो 1990s के क्वेश्चन होते थे, एंड वो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, तो मतलब मैंने उनकी काफी अच्छे से प्रैक्टिस की तीनों सब्जेक्ट के लिए। एंड हाँ मैंने PYQs काफी अच्छे से लगाए थे, मतलब 1990 से 2021 तक मैंने बहुत सारे PYQs लगाए, पूरे लगाए ऑलमोस्ट, एंड काफी अच्छे लेवल से लगाए, एंड लाइक हाँ उससे मतलब प्रिपरेशन मेरे एडवांस से काफी बूस्ट हुआ था। अब एक्चुअली देखो अब जैसे शायद हमारा 28 अगस्त को हमारा जे एडवांस का प्रॉपर आया था कि लाइक 28 को हमारा 28 अगस्त को हमारा एडवांस है। एंड जैसे मैं कोटा में था तो मेरा जो सेंटर आया ना वो जयपुर आया, अब यहाँ पे मेन टर्न आ गया है लाइक कि मैं कोटा में अकेले रह रहा था, तो जयपुर में मेरा सेंटर है वो दूर था काफ़ी, तो मुझे एग्जाम के 2 दिन पहले निकलना पड़ा कि लाइक मैं शायद शाम को मैंने जैसे 2 दिन पहले मैं शाम को ट्रेन पकड़ी पहुँचा, रात को होटल लिया अपने फ्रेंड के साथ मैं गया था वहाँ पर, तो एक दिन मतलब फिर एक दिन मैं पूरा रहा, फिर अगले दिन हमारी एग्जाम थी। अब देखो अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा यार मैं आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लोगों की कभी भी एग्जाम हो ना खासकर एडवांस जैसे लाइक जो वर्ल्ड के लाइक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है
वहां पे अकेले बिल्कुल मत जाना। और क्योंकि देखो एडवांस में क्या, दो शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो जो बीच का 2.5 घंटा होगा ना, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके रोल, मतलब आपके मार्क्स में, आप जो परफॉर्मेंस करने वाले हो। सो वहां लाइक मेरे से थोड़ी गलती ये हो गई, मेरे से गलती नहीं हुई बोलूंगा, अब पता नहीं देखो अब क्या लिखा था किस्मत, मुझे भी नहीं पता। अब वहां क्या हुआ कि लाइक एक तो मैं अकेले गया जयपुर में, 2 दिन पहले से मैं अकेले घूम रहा हूँ शहर में, लाइक घूम रहा हूँ वहां पे हूँ। एंड देन जब मैं एग्जाम देने गया लाइक 9 से 12, तो मेरा लाइक जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ 9 बजे, तो मतलब मैं सॉल्व कर देगा। और बेसिकली 2022 के एडवांस में क्या था लाइक जूम इन जूम आउट का बहुत प्रॉब्लम था, तो काफी टाइम टेकिंग था, जिससे लाइक मैं थोड़ा पैनिक मोड में चला गया। एंड लाइक मेरे से बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो गई थी, मतलब मैंने बहुत गलतियां कर दी थी और क्वेश्चन भी बहुत कम अटेम्प्ट कर पाया था। तो जैसे ही मतलब 12 बजे तो मैं सेंटर से निकला ना, तो स्क्रीन पे लाइक नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन दिखा रहा था, तो आई थिंक वो 26 के आसपास था। तो वहां से मैं काफी डिप्रेस हुआ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक दे रखे थे पहले एडवांस के, तो लाइक उसमें मेरा स्कोर काफी अच्छा जा रहे थे, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन वहां पे फर्स्ट पेपर में अराउंड 44 या 45 होता था, लेकिन यहाँ पे सीधा 27-28 दिखाया। तो वहां से मतलब थोड़ा शॉकिंग लगा मेरे को भी, लाइक थोड़ा अंदर से डीमोटिवेट काफी हो गया था मैं, कि मतलब मेरे को लगा मैंने पहला पेपर अपना पूरा बिगाड़ दिया है। मैं सेंटर से बाहर निकला और देखो एडवांस में क्या बहुत ज्यादा भीड़ थी उस टाइम, मतलब वो एक पर्टिकुलर सेंटर था ऐसा, बहुत सारी भीड़ थी, तो हाँ मतलब एकदम लॉस्ट फील हो रहा था। मतलब मैं जा रहा वैसे रोड पे चल के जा रहा हूँ अपने, जहाँ पे मैंने होटल लिया था मैं वहां जा रहा था, तो काफी अकेला फील होता, मतलब ऐसा था, मतलब मेरे साथ कोई था नहीं मतलब जिससे मैं बात कर सकूं। वो 2.5 घंटे मैंने अकेले निकाले, एकदम डीमोटिवेट हो गया, मतलब कुछ मेरे पास होप ही नहीं बची थी उस वे का मेरा 2.5 घंटा था। तो मतलब वो चीज़ें थोड़ा टर्निंग हो गया मेरे लिए, और फिर मैं 2.5 बजे मतलब पूरा एकदम डीमोटिवेट हो गया था। मैं फिर सेकंड पेपर देने गया, एंड जैसे जैसे मतलब पेपर खत्म हुआ, फिर ऐसा था कि भाई मेरे को मतलब जैसे 5:30 बजे मैं हॉल से निकल जाऊँ, मतलब वो माहौल था, क्योंकि मतलब वो ऐसा दिन था मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। तो मैं वहां से निकला, एंड देन फिर मतलब जो मेरा फ्रेंड जिसके साथ मैं आया था, मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया कैसा पेपर गया, एंड देन पता चला कि सबके ही लगे पड़े हैं, मतलब पेपर इस लेवल का आया था। एंड फिर मतलब फिर जैसे 1-2 दिन निकला मैं आया, अब बेसिकली मेरा क्या था कि मुझे था ना कि मैं रिजल्ट है ना कोटा में देख के जाऊंगा, मेरे को डांस करना था मेरे को कोटा में, कि लाइक जो एक विक्ट्री सेलिब्रेशन होता है ना, मेरे को वहाँ नाच के जाना था। बट अब पेपर ऐसा गया, और तो फिर उम्मीदें तो वहीं खाली सारी खत्म हो गई, तो मुझे ऐसा लगा कि NIT में अपने ECE कोई अच्छी NIT में ECE इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब ले लेंगे, अपना IIT छोड़ो, मतलब ये तो अब मुश्किल लग रहा है। बट फिर मैं यही मतलब फिर सोच के मैं मतलब घर चला गया अहमदाबाद, वहाँ मैं 2-3 दिन रहा। तो फिर एक्चुअली क्या होता है ना, पेरेंट्स के सामने आप अपना लाइक मतलब आपका लाइक आपका ड्रीम क्या होता है, आपका रिजल्ट आया स्क्रीन पे आप देखो, और आपके जो फैमिली मेम्बर्स है लाइक आप उनकी आंखों में खुशी देखना चाहते हो। बट जब अच्छा है रिजल्ट तब ना जब आपको उम्मीद हो, लेकिन आपको पहले पता हो कि लाइक पेपर कैसा गया है, एंड फिर मतलब शायद वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था इन द हिस्ट्री ऑफ एडवांस, तो वहां से उम्मीदें काफी खत्म हो चुकी थी। एंड लाइक मैं लाइक नजरें नहीं मिला पाता अपने पेरेंट्स से रिजल्ट के दिन, तो इसलिए मैं काफी डर गया था। बट मैंने क्या किया, मतलब मैं यूपी चला गया अपने गांव, क्योंकि मतलब मैं उनको फेस नहीं कर पाता, मैं गांव चला गया, मतलब वहां पे थोड़ी मतलब आपको पता है गांव में उतना रिच नहीं, तो मतलब मैं एक मतलब शांत जगह चला गया। एंड देन रिजल्ट आया 1-2 दिन में, एंड फिर 11 सितंबर को हम लोग का रिजल्ट आया। लाइक जब मैंने इसे मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब रिजल्ट मैं देख नहीं रहा था, मैं वेदांती एक लोग बैच के ग्रुप में गया, मैं वहाँ देखा था लाइक इस वक्त मार्क्स वर्सेस रैंक क्या है, थोड़ा उससे मैं कॉन्फिडेंस लिया कि मतलब हाँ इस बार थोड़ी कम मार्क्स में अच्छी परसेंटाइल मतलब अच्छी रैंक बनी है। तो फिर मैंने 11:30 या 11 बजे के आसपास मैंने अपना लाइक रिजल्ट ओपन किया, लाइक उसमें लाइक रैंक देखी 2271 जनरल EWS, तो मेरे को लगा हाँ यार अब इस बार अपन IIT जा रहे हैं। तो मतलब वहाँ से फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने मतलब अपने पेरेंट्स से बात की, तो मतलब काफी फिर अच्छा प्राउड फील हुआ था, मतलब इसी के लिए तो अपन 1-2 साल मेहनत करते हैं, लाइक वो फाइनली वो दिन आया लाइक हाँ मतलब अब ऐसा फील हो हाँ यार मैं IIT जा रहा हूँ। एंड देन घर वाले काफी खुश थे, मतलब पेरेंट्स भी काफी खुश थे, मतलब मैं नाना नानी के घर पे था तो वो भी काफी खुश हुए थे। एंड देखो यार ये थी मेरी जर्नी लाइक फ्रॉम 60% टू IIT। तो देखो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा यार, मतलब पढ़ते रहो, लाइक आप लोग भी लाइक एक दिन आपका वो दिन आएगा लाइक जिस दिन आप IIT में आओगे। या देखो एक्सपीरियंस की एक्सपीरियंस जो TVS है उसकी एक लाइन है, कुछ फर्क नहीं होता सब कुछ जीत लेने में एंड अंत तक हिम्मत ना हारने में। सो यार मैं बोलूंगा पढ़ते रहो, लाइक जो लोग भी लाइक अभी देख रहे हैं मैं उनको बोलूंगा पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो, लाइक लास्ट तक फाइट मारो, लाइक आपका सिलेक्शन जरूर होगा यार। थैंक यू।